पंचायत में ट्रेंडिंग चलता है। नदी में पानी सूख गया है, मकई की फसलें सूखकर बर्बाद हो गया है। पानी के वजह से गेहूं की फसलें सूखा मर रहा है। करेगा तो 5 लाख रुपया होगा, प्रत्येक किसानों से 5500 रुपया नहीं कोई बनाने वाला है। पानी की वजह से सूखा मर रहा है, बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रंगीला 2.0 का आवाज में। मुंगेर बरियारपुर प्रखंड कररिया पश्चिम पंचायत और पूर्वी पंचायत के सामने सामने चौर करारे खेत दक्षिण साइड बरावला मनी नदी में आज से लगभग 20 दिन पहले से मनी नदी सूख गया है, जिसके कारण से यहाँ के स्थानीय किसानों में काफ़ी त्राहिमान हो गया है। लगभग 2000 एकड़ फसलें जंडा गेहूँ मकई कई अन्य फसलें पानी की वजह से सूखा मर रहा है, बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि सूचना ये भी मिली है कि हर एक किसान से 5500 रुपया लेकर के भी पानी की बात करती है छोड़ेंगे, लेकिन पानी के इंतजार करते करते तब तक फसल सूखकर बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। इस तरह का मनी नदी के किनारे ऊपर फसल लगा हुआ गेहूं जंडा कई अन्य तरह की फसलें पानी के वजह से सूख रहा है, मर रहा है, तो दूर वाले को क्या हालत होगा? वो तो पानी का सपना भी नहीं देख सकता है। ये हालात तो आज से नहीं बना हुआ है, लगभग पिछले कई वर्षों से बना हुआ है। कई तरह के नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं पंचायत में, संसद में, इस बरावला मनी नदी पे ना ही तो कोई छोटा बड़ा पुल पुलिया बना है, ना ही कोई बनाने वाला है। पानी पटाने की सीजन होती है तो हर वर्ष ना कोई ऐसी पानी की प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, जो कि प्रत्येक किसानों से 5500 रुपया कुछ भी रुपया लेकर के पानी छोड़ने की वादा करता है, फिर भी पानी नहीं दे पाता है, ना ही पानी पहुंच पाता है इस नदी में, जिसका खेत मनी नदी के किनारे है। अगर 1000 किसानों ने 5500 रुपया जमा करेगा तो 5 लाख रुपया होगा, 5 लाख रुपया लगाकर 3-4 छिटका बन जाएगा। इतना सा काम कर लेगा किसानों ने, हजारों किसानों ने अपना अपना क्षेत्र में 5500 चंदा जमा कर करके 5 लाख रुपया हो जाता है। 5 लाख रुपयों में हाई फाई छिटका बन जाएगा, जो कि ट्रैक्टर भी दौड़ने लगेगा। इतना नहीं करेगा, लेकिन मुखिया पंच सरपंच कई नेता सेलिब्रिटी पास झुकने के लिए जाएगा, पाँव पकड़ने के लिए जाएगा कि मेरे मनी नदी में पानी मंगवा दीजिए, मेरा फसल सूख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन गिरगिराते रहता है, पानी नहीं आता है, नहीं सही से फसल उगता है। इन बातों पर फोकस कीजिए, 5500 रुपया ही चंदा करिए, अपने में रखिए, ना कि 5500 रुपया चंदा करके किसी के झोले में दे दीजिए, जाइए झोली को लेकर के पानी को उठा कर लाइए, झोली जाता है रास्ते में, झोली खाली हो जाता है। ये सब घटना हुई है पिछले कई वर्षों से, कई तरह के पानी मंगवाने के लालच में किसी दूसरे से व्यक्ति से पैसा अवैध रूप से चला जाता है, उसका इस्तेमाल कुछ और होता है। हम बोलेंगे तो मुखिया सरपंच वार्ड के ऊपर, पंचायत के ऊपर, पक्ष विपक्ष के पार्टी ने स्थानीय मुखिया सरपंच को कौन बोल बोल के भथ देगा, रंगीला इसे बोला वैसे बोला, लेकिन पहले समझिए कि हम क्या बोले हैं, उसके बाद आप शिकायत निंदा करते रहिए। देखिए, बरावला मनी नदी में इस तरह का पानी आपको बहुत सारा जमा मिलेगा, लेकिन ये किसान बहुत होशियार चालाक है, पिछले वर्ष जेसीबी से गड्ढा खनवा कर रखा है, जिसके कारण से यहाँ पे पानी बसा हुआ है, और अपना खेतों की फसलें सही टाइम पर सिंचाई करता है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने खेतों के सामने सामने मनी नदी में जेसीबी से गड्ढा करवाइए, पानी को जमा भरा करके रखिए, या तो वो भी नहीं हो रहा है तो मिट्टी भर भर के बोरी में या उस वहाँ बांध दे दीजिए, पानी आ जाएगा। देखिए, इस किसान को कभी दिक्कत नहीं होगा, ये स्वयं अपने ऊपर निर्भर कर रहा है, लेकिन ये करना नहीं चाहेगा। 500 रुपया लो, जाओ पानी लाने के लिए, वो भी पानी ना आया, झोला रास्ते में खाली हो गया, चाय पान बिस्कुट मधुपान बीड़ी सिगरेट चला, आने जाने में भाड़ा खर्चा हो गया, बचा खुचा इतना बचा है, हम इतना पैसा जहाँ से पानी मंगवाए उसको दिए झोली में, वो पानी छोड़ा रास्ते में, पानी सूख गया। ये सब हालात है, कारनामा है।
जिसके कारण से यहाँ का स्थानीय किसानों को ये भुगतना पड़ता है फसल को लेकर। पंचायत में ट्रेंडिंग चलता है कि नदी में पानी सूख गया है, जहाँ पे पानी सूख जाता है वहाँ पानी नहीं आता है। कल्याणपुर सरस्वती नगर झरकावा नगर के दक्षिण साइड चौर में मसूर खेतों में बिना कहे सुने पानी आ जाता है, बिना कोई सूचना इंफॉर्मेशन के। तो उनको जहाँ पानी का जरूरी है वहाँ पानी नहीं मिलता है, जहाँ जरूरी है वहाँ सूखा मरता है। ऐसी है कारनामा। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को उतना शेयर करिए वीडियो कलेक्टर सीओ अपने स्थानीय मुखिया सरपंच को। मनी नदी के किनारे पानी के वजह से गेहूं की फसलें सूखा मर रहा है। कहेगा कि फसल पक कर तैयार हो गया, अब तो कटनी करने का बात है, लेकिन जो फसल लगाते हैं बॉक करते हैं वो इसकी जो देख रेख करता है, रखवारी करता है, उसको भेजा में अड़ता है कि ये गेहूं पक कर तैयार है कि पानी की वजह से ललायत होकर के ये खेत सूख रहा है। ये किसी का खेत है रास्ते के बगल में, और बगल में ही मनी नदी है। इस कोनों पर देखिए किस तरह का मकई की फसलें सूखकर बर्बाद हो गया है। ये पानी की प्रॉब्लम है, पानी की कमी होने से इसी तरह कई तरह की फसलें सूखकर बर्बाद हो गया है। आप कहिएगा फसल पक कर तैयार हुआ है, सही से इसमें दाना नहीं भरा है तो पकेगा कैसे। यहाँ से लेकर ये किसका प्लॉट है, इस तरफ का रास्ता का इस तरफ पूरी तरह से सूखा हो गया है, यानी छिप्पा तक सूख गया है। कुछ हरा है, किसी तरह पानी दिया है, देखिए किस तरह का हालात है। लग रहा है कि भुट्टा पककर तैयार है, भुट्टा चोर ने छिल करके बच्चा बुतरू लेकर गया है, दाना बेचा होगा। बरियारपुर प्रखंड के जो भी विधायक है, घोरघाट हॉल्ट के दोनों साइड रेलवे ट्रैक से ऊपर ही पहले मनी नदी पे तीन तरह का छोटा बड़ा छिटका लगा देगा तो पानी आसान से कंट्रोल होगा। देखिए जहाँ पे कल का पानी है चौर में, यहाँ से पानी घरा करके निकल जाता है गंगा नदी में, गंगा नदी में पानी बेकसूर के बह जाता है, तो ऊपर में जो है जिसका खेत लगा हुआ फसल है उसको भारी प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से पानी उधर ही रोक लेता है, रोकने से इधर का किसान का जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आप प्रयास करिए अपने क्षेत्रीय विधायक को, एमएलए को दरखास्त पे दरखास्त दिए, वीडियो सीओ जो भी है कलेक्टर उसको दरखास्त पे दरखास्त दीजिए, फंड मांगिए। अगर नहीं हो रहा है तो अपने आसपास के खेतों के आसपास मनी नदी के बीच में 5-500 रुपया जमा करिएगा तो 1000 किसानों ने पूरा कर देगा 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया में बिना किसी टैक्स फैक्स के बहुत अच्छा बन जाएगा, फाटक बनाएगा तो फाटक बन जाएगा, चाहे छिटका बनाएगा तो छिटका बन जाएगा। लेकिन ये नहीं करेगा, 500 रुपया देगा, 200 रुपया देगा पैसा की लालच में, चलो पानी आ जाएगा, पानी आते आते खेतों की फसलें सूखकर तैयार है, पता चला कि अब काटने का सीजन आ गया है, अब काट लो घर घुसा लो। जैसे जैसे ये पानी थोड़ा थोड़ा पस कर इकट्ठा जमा हुआ है तो कुछ किसानों ने जिसका छोटा प्लॉट है 10 कट्ठा 5 कट्ठा तो किसी तरह सिंचाई कर लेता है, लेकिन जिसको 10 बीघा 20 बीघा 5 बीघा है वो कहाँ से सिंचाई करेगा, उसको तो लगातार पानी चाहिए कम से कम 5 दिन। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मनी नदी का पानी किसी तरह मंगवाइए। इस वीडियो को शेयर करिए कलेक्टर वीडियो सीओ के पास कि हम किस तरह का आवाज़ उठाएं।